एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कुल पांच बार गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाकर एक बार फिर से रिंकू सिंह ने जीता दिल। कोलकाता और हैदराबाद के बीच सांसें रोक देने वाले मुकाबले में रिंकू सिंह ने बल्ले से कैसे मचाई तबाही। कोलकाता के दिए गए 172 रनों के लक्ष्य का जवाब देते हुए हैदराबाद ने क्या किया? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में किसने की जीत हासिल? दिखाएंगे रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हैदराबाद में कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत बेहद खराब रही। बता दें, पावर प्ले के भीतर ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। वेंकटेश अय्यर, रहमानुल्लाह गुरबाज और जेसन रॉय जैसे बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा ने अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर क्लास ली। रिंकू सिंह और नीतीश राणा ने कोलकाता के पारी की बागडोर संभालते हुए अपनी टीम को 100 रन के करीब पहुंचाया। दोस्तों, जब 96 रन का स्कोर था उस दरमियान कोलकाता के कैप्टन नीतीश राणा 31 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने बेहतरीन पारी खेलते हुए 3 चौके और 3 छक्के भी लगाए थे। हालांकि एक बार फिर से दिल जीतते हुए सबका रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। आपको बता दें, रिंकू सिंह ने अपनी पारी में 4 चौके और एक बेहतरीन छक्का भी लगाया था। रिंकू ने 35 गेंदों में 46 रन बनाए थे। हालांकि वो आखिर में आउट जरूर हो गए, लेकिन रिंकू सिंह तब तक अपना काम कर चुके थे। दोस्तों, रिंकू सिंह के अलावा आंद्रे रसेल ने 15 गेंदों में 24 रनों का योगदान दिया। रसल ने अपनी पारी में 1 चौका और 2 छक्के भी लगाए थे। दोस्तों, इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का कोई और बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन करने में नाकाम रहा। अगर हैदराबाद के गेंदबाजों की बात करें तो मार्को यंसन और टीन नटराजन ने 2-2 विकेट लिए। कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, कप्तान एडन मार्करम और मयंक मार्कंडे ने भी 1-1 सफलता अपने नाम की। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा था। अब हैदराबाद के बल्लेबाजों के पास इस लक्ष्य का मुंहतोड़ जवाब देने की बारी थी, लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंची काव्या मरन को निराशा हाथ लगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पारी के 3रे ओवर से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और 7वें ओवर तक जाते जाते हैदराबाद के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अभिषेक शर्मा ने 10 गेंदों में 9 रन बनाए थे। मयंक अग्रवाल ने 11 गेंदों में 18 रन की पारी खेली थी। राहुल त्रिपाठी 9 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद हैरी ब्रूक भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, वो 4 गेंदों में 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों, इसके बाद कप्तान एडन मार्करम और हेनरी क्लासन ने बागडोर संभाली। हैदराबाद की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना चुकी थी। एडन मार्करम जहां 15 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल रहे थे, तो हेनरी क्लासन ने 6 गेंदों में 7 रन बनाए थे। हैदराबाद को जीत के लिए अभी भी 66 गेंदों में 103 रनों की दरकार थी। अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की तो हर्षित राणा, आंद्रे रसेल, अनुकूल रॉय और शार्दुल ठाकुर ने 1-1 विकेट अपने नाम किए थे। दोस्तों, ये मुकाबला अभी भी फंस सकता है, क्योंकि एडन मार्करम जैसा बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहा था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार के आईपीएल में कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी? गुजरात, चेन्नई, मुंबई या फिर लखनऊ? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।